अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गंगा व्लॉग। होप योर गाइस डूइंग ऑसम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, जहां भी होंगे हंस रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं। तो आज हमारा व्लॉग कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ था कि हम 8 दोस्त जा रहे थे मंडी किसी एक दोस्त का वड़ा लेने के लिए। 8 के 8 बाइकों पर बैठे, 2 बाइकों के ऊपर 8 दोस्त बैठे और 8ों के 8ों ने फैसला किया कि चलते हैं मंडी। तो हम लोग जा रहे थे मंडी, तो हमने देखा कि रास्ते में भी बड़े प्यारे प्यारे जानवर हम लोगों को दिख रहे थे और ये तीनों अपने ही मलंग हुए हुए थे और हम चारों अपने में। रुकना पड़ गया था क्योंकि जो आगे जो वैड़ा था वो मचल चुका था और हम मंडी में पहुंच चुके हैं। जैसे बारात में हम आधी बारात में पहुंच चुके थे और आधी बारात में पता चला कि बारात तो बाहर निकल चुकी है और काफ़ी लोग बाहर आ चुके हैं रोडों पे। हमने कहा हम ही लेट हो गए। जैसे ही हमने शुरुआत की तो हमें टैंकर गाड़ियों की आमद आमद शुरू हुई भी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अब ये मियाँ बीवी हम लोगों को सामने मिल जाता, हमने कहा इसका मतलब कि हम राजी हैं। ये मोहसिन भाई क्या करते हैं कि एक बाया 2 बाइकों को एक लॉक से लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत 3 मारा है। वाकई मैंने उन्होंने कोई 3 ही मारा था। और अब हमने आमद आमद स्टार्ट है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कितना प्यारा है माशाल्लाह जियो। तो अब हम 8 के 8 दोस्त से आड़ी की तरह घुस जाते हैं मंडी के अंदर चेक करने के। सबसे पहले हमें ये नीली आंखों का बकरा दिखता है जिसे हम मुँह नहीं लगाते। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और हम आगे ही आगे आगे ही आगे जाते हैं। एक बकरे के ऊपर दुम्बे के ऊपर दुम्बे को मारे होते हैं। मैंने कहा इतना ना मारो बेचारे को, तशद्दुद ना करो, इतना 2 दिन बाद कट जाना है, फ़ायदा नहीं है मारने का। अब हम आगे जाते रहते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा बकरे भेड़ बकरियाँ दिखती रहती हैं। उसके बाद ये आ बकरा और मतलब गाय दिखती है जो हमें बहुत पसंद आती है। बकरा था वो बकरे ही जैसे बहुत तेज हो रहा है। तो अब हम आगे जाते होते हैं तो हमें एक शाका भाई मिल जाते होते हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। अभी हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं टार्जन बनूंगा, मैं छोटा डॉन हूँ, मगर ये ऊपर नहीं चढ़ पाता हूँ। मुझे बहुत पसंद आया था मगर 4-10 मांग रहे थे जो हमारी बहुत ऊँची रेंज पर जा रहे थे। हमारे दोस्त ने 3-4 या 3 तक का लेना था और अब मेरा शाका भाई हमें मिल जाते हैं जो शाका डॉन पिंडी बॉयज़ और पिंडी बर्गर बॉयज़ पर वीडियोज़ बनाते रहते हैं। उनके साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं, पिक्स विक्स रहते हैं और मुझे याद नहीं रहता मतलब उनकी वीडियो बनाना। मैं समझा कैमरा खुला हुआ और कैमरा बंद हो गया था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो भाई हमें मिलते हैं तो ये सामने वो खड़े हुए थे, हमने उनसे पिक विक ली थी और उसके बाद हम लोग आगे अपना बढ़ गए थे। जैसे ही आगे जाते हैं मोहसिन भाई कहते हैं कि यार पसंद करो जल्दी से, इन्हीं का बकरा लेना था, मतलब इन्हीं की गाय लेनी थी। हमने कहा यार पसंद करो जल्दी से फाइनल करते हैं। तो उसके बाद हमें एक और पसंद आया था जो ऑन भाई को भी पसंद आया था और पीछे जितने भी लोग थे उन्हें पसंद आया था। वो कुछ इस तरह था कि वो उसका मांग तो ज़्यादा रहे थे, उसका कोई 4-5 लाख रुपये मांग रखे थे, 4,50,000 रुपये मांग रहे थे इस वेड़े का, जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। हम कह रहे थे भाई हमें थोड़ा सा कम कर दो कि हम इसे ले रहे, मगर वो देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मंडी अभी ख़त्म नहीं हुई, मंडी में अभी हम वड़े हैं, हम आगे तक जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल मिल जाएगा। उसके बाद हमें ये बैल मिलता है जो 5.5 लाख रुपये का था और माशाल्लाह क्या ही वड़ा था, देख के दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और ये 6.5 लाख रुपये का था, दिल इन दोनों को देख के बड़ा ही खुश हो गया था। फिर मोहसिन भाई ने अपनी वीडियो इनके साथ बनाई है क्योंकि इनका भी टिकटॉक है राजा जी ब्रांड के नाम से। इनसे भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो उनका पीछे से कहते हैं कि आप लोग वड़े के साथ पिक तो ले लो मगर एक पिक 500 रुपये की होगी। मैंने कहा चाचा जी आप खुद भी पिक के अंदर आ जाओ, आप खुद भी 500 के हो जाओगे। शाका भाई कह रहे थे मतलब और ये भाई कह रहे थे सैदुल्ला भाई के हम ऊँट लेंगे कॉल पे, नकली लोगों के पास जाते थे बोलते थे कि हमने ऊँट लेने, मगर हमें गाय मिल जाती है, मतलब ये वैडा मिल जाता है जो 8.5 लाख रुपए का था। हमने कहा कि ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, इसके साथ भी हमने पिक्स विक्स लिए काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हमें ये आरा मिलता है जो ये उन्हीं का था और कहते हैं कि ये जोड़ा है। मैंने कहा तो बहुत ही अच्छा हो गया, कह रहे हैं अगर आपने जोड़ा लेना तो 12 लाख रुपये में ले रहे हैं। उसके बाद ये ऊँट का फैसला करते हैं सैदुल्ला भाई, मगर ये ले कुत्ता लेते हैं मतलब बकरा लेते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा बकरा था जिसको मैंने हाथ लगाता हुआ आगे गुजर गया, वो पीछे मुड़कर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने खरीदना है। उसके बाद ये 2 भाई कहते हैं हमारी मदद करते हैं। हमने कहा क्या कह रहे हैं भाई, लाइट मार दे, हमें लाइट दिख नहीं रही है। उसके बाद ये बंदा मिलता है, मुझे लगता है मरा हुआ था, 4 भाई के ऊपर पता नहीं जोर था या मरा हुआ था, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें एक ये गाय मिलती है, मतलब ये वाला मिलता है जो बहुत ही प्यारा था, सिंगी वाला था, मतलब जंगी था और हमें बहुत ही पसंद आया था जो 3,10,000 का था। एंड में हम इसको ले भी लेंगे। और ये वाला कहता है कि मेरी तरफ से गंगाल ब्लॉक्स में ईद मुबारक, वो ईद मुबारक एडवांस में। ये देखें माशाल्लाह इसने कोई काम कर दिया था जो ऑन भाई को बड़े ही जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली, ओ भाई मारो
मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं बुरा लगा था। उसके बाद हम इधर आते हैं जो ये भी हमें बड़ा ही पसंद आता है, ये भी 3,10,000 या 3,15,000 का था। शाखा भाई कहते हैं बड़ी फिट है, मगर हम 11 वैड़ा लेते हैं 4,00,000 रुपये में और वो लेते हैं 3,00,000 में। हम 7,00,000 रुपये में 2 फतेहजंगी वैड़े डन कर लेते हैं। अभी आगे जाके आपको दिखाएंगे कि हमने उसे रोड भी करवाया है। उसके बाद हम और भी वैड़े बहुत से देखते रहते हैं जो हमारे पौंच से काफ़ी ज़्यादा ऊँचे थे। मैंने इसके साथ पिक विक लेनी, मैंने कहा चलो पिक विक लेते हैं, डैशे वैसे दिखाएंगे शौकी हमारे की। अरे समझ लो ना, ईद आ रही है, कपड़े तो लिए नहीं इसी की शौकी दिखाएंगे। ये भी बड़ा पसंद आते हैं हमें, मगर ये भी 4,10,000 मांग रहे थे जो हमारे पौंच से बहुत ज़्यादा ऊँचा हो रहा था। उसके बाद हम बाहर निकलने कोशिश करते हैं, पता चलता है फटा दरा हुआ। अब फटा किस चीज़ का दरा हुआ था कि ये वड़ा आया हुआ था वाइट वाला, और इसके मैं पास जाता हूँ हाथ लगाने के लिए, ये तो मछली जाता है। मैंने कहा भाई मैंने बैन नहीं चलाई, मैंने पता नहीं किया, मैं वापस आ जाता हूँ पीछे। मैंने कहा ऐसे पहले मुझे मारे, मैं पीछे आ जाता हूँ। उसके बाद फिर इसकी बीवी को दिखाते हैं, हाँ फिर समझ आता है कि इसकी बीवी है, इसने दूर की हुई थी इस वजह से बेचारा वो नाराज़ हुआ था, इसलिए मुझे मारा था। फिर हम बाहर आते तो इधर फटा दरा होता, फटा इस बात पर दरा होता है कि ये हमने फतेह जंगी लोड करवा दिया था, फिर ये देखिए फटा दरा होता। फटा इसलिए दरा होता है क्योंकि एक बकरा था जो जिसके पैट मारना था, और कहते हैं कि हमने 50 एंड में ले लेते हैं। और इधर रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं इतना रश हो जाता है, रात के 11 बज गए थे जिस वजह से हमें इधर से जाना पड़ा। हमने 2 फतेहजंगी लोड करवा दिए थे जो हमें कल आ जाएंगे हमारे घरों पे, और इधर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है जिस वजह से हमें जाना पड़ा था, क्योंकि हमारे सारे दोस्त ही यूट्यूबर और टिकटॉकर थे। जब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और सबको एडवांस में ईद मुबारक।